Welcome to Jan Steno classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 70 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन लीगल डिक्टेशन अध्याय संख्या 18 रेडी यस स्टार्ट। दशकों से भारतीय न्यायतंत्र में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि सस्ता एवं शीघ्र न्याय कुल मिलाकर भ्रामक रहा है। विराम अदालतों में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के उपायों के बावजूद 2,50,00,000 मामले लंबित हैं। विराम विशेषज्ञों ने आशंका प्रकट की है कि न्यायतंत्र में जनता का भरोसा कम हो रहा है और विवादों को निपटाने के लिए अराजकता एवं हिंसक अपराधों की शरण में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विराम वे महसूस करते हैं कि इस नकारात्मक प्रवृत्ति को रोकने और इसके रुख को पलटने के लिए न्यायतंत्र में लोगों का भरोसा तुरंत बहाल करना चाहिए। विराम पिछले 7 दशकों से भारतीय विधि आयोग संसदीय स्थायी समितियों और अन्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों उच्चतम न्यायालय की अनेक पीठ प्रतिष्ठित वकील और न्यायाधीश विभिन्न कानूनी संघ संगठन और गैर सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न कानूनी स्थापित सरकारी प्राधिकरणों ने न्यायतंत्र में समस्याओं की पहचान की है और उनकी जल्दी दूर करने का आह्वान किया है। विराम पैरा न्याय देने से इनकार है। इस बात को मानते हुए उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने पी रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक 2002 मामले में हुसैन आरा मामले की इस बात को दोहराया कि शीघ्र न्याय प्रदान करना आपराधिक मामलों में तो और भी अधिक शीघ्र राज्य का संवैधानिक दायित्व है तथा संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21, 19 एवं 14 तथा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से भी निर्गमित न्याय के अधिकार से इनकार करने के लिए धन या संसाधनों का अभाव कोई सफाई नहीं है। विराम यह समस्या समय की मांग है कि भारतीय संघ और विभिन्न राज्य अपनी संवैधानिक दायित्वों को समझें और न्याय प्रदान करने के तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कुछ भरोसा एवं ठोस कार्य करें। विराम 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि भारत दुनिया में आबादी एवं न्यायाधीशों के बीच सबसे कम अनुपात वाले देशों में से एक है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2007 में बेहतर प्रबंध के लिए न्याय प्रदान करने के तंत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए देश की सभी जिला एवं अधीनस्थ अदालतों के कंप्यूटरीकरण और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सूचना एवं
संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए योजना मंजूर की थी। विराम 442 करोड़ रुपए की यह योजना 2 वर्ष में पूरी की जानी थी। विराम इस परियोजना के तहत अब तक न्यायिक अधिकारियों को 13,365 लैपटॉप, करीब 12,600 न्यायिक अधिकारियों को लेजर प्रिंटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा 11,000 न्यायिक अधिकारियों एवं अदालतों के 44,000 कर्मियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 489 जिला अदालतें और 896 तालुका अदालतों के परिसर में ब्रॉडबैंड संपर्कता उपलब्ध कराई गई है। विराम इस परियोजना के तहत देश में सभी अदालत परिसरों में कंप्यूटर कक्ष स्थापित किए जाने हैं। विराम सरकार को समग्र न्याय प्रक्रिया को भी दिमाग में रखना होगा जो मुद्दों को निपटाने में बाधा डालने के लिए अंतहीन जिरह संबंधी अपील और देरी करने वाले वकीलों की भूमिका को भी अनुमति देती है। विराम।